बड़े होकर कंप्यूटर वर्कर बनोगे। आज कल सारे फॉर एग्जाम्पल आज कल कार बाहर ले देश में कार चल रही है, उनमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल पब्लिक रिलेशन टोपोलॉजी है। इसमें जो सेंटर कंप्यूटर को हुब बोलते हैं, सारे कंप्यूटर केबल हैं वो उसके साथ कनेक्ट होती है। और ये बस टोपोलॉजी है, ये लाइन में मतलब लाइन में कनेक्ट होती है इसके साथ। ये ग्रीन सिटी है, इसको यही पर चीज़ है कि जैसे आज ये मॉडर्न सिटी है, मॉडर्न सिटी होती है जहाँ पे हॉस्पिटल स्कूल सब स्कूल आए, हमने एक ही जगह एरिया में CPU के 3 पार्ट होते हैं, CU कंट्रोल यूनिट, ALU ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट
एंड एमयू मेमोरी जो डाटा स्टोर करता है। फिर मेमोरी यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट आ गया चर्च मेमोरी, सेकंड आ गया प्राइमरी मेमोरी, थर्ड आ गया सेकेंडरी मेमोरी। और इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में डाटा जो है इंसर्ट करते हैं हमारा। हम तो इसके जैसे एग्जांपल हो गया कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, जिससे हम स्कैन करते हैं जो है डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। और फोर्थ है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो हमें आउटपुट देते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, फिर स्पीकर हो गया, या कोई भी प्रोजेक्टर, वो आउटपुट डिवाइस है। इसके 3 पार्ट होते हैं, मेमोरी यूनिट में डाटा, एमयू वो इकाई है कंप्यूटर की, एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसमें डाटा को अस्थायी रूप से रैम में और लंबे समय के लिए रोम में संग्रहित करती है। यहाँ पर सर जो हमारे पास थ्योरी होती है उसके साथ साथ हमें क्रिएटिविटी करना भी सिखाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये बच्चों के द्वारा पोर्टफोलियो बनाई गई है, ताकि मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं तो मतलब एक बार मन वही लग जाता है, जैसे क्रिएटिविटी जो हमारे हमसे कराई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से बच्चों की क्रिएटिविटी की गई है, और साथ ही हमारा मॉडल है स्मार्ट सिटी ग्रीन सिटी। यहाँ पर सर मेरे मॉडल में सबसे पहले ग्रीन मॉडल है। यहाँ पर वर्षा के पानी को कैसे संग्रहित कर सकते हैं, अगर हम अपने छतों के रूफ के ऊपर पाइप लगा सकते हैं टैंक, उसके बाद हम अपने खेतों में पानी को पहुँचा सकते हैं। नाउ द सेकंड वन इज़ द स्मार्ट विलेज। जो हमारे पास विलेज, अगर हम विलेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पे आजकल ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ ही विलेजेस में कोई फैसिलिटीज होती है। यहाँ पर हमारे स्मार्ट विलेज में सब हॉस्पिटल्स, जो हमारे पास बैंक होते हैं, स्कूल होने चाहिए, जो हमारे पास नॉर्मल हर एक विलेज में होनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो हमने इसको उस तरह से बनाया, डिज़ाइन किया गया कि एक स्मार्ट विलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ द स्मार्ट विलेज, जहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल, हमारी बिल्डिंग और उसके साथ ही जो है ग्रीन इकोनॉमी, लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज अगर वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे हमारे सिटीज में तो वहाँ पर पोल्यूशन होगा। एंड लास्ट वन इज़ द ग्रीन सिटी, उसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास पहाड़ वगैरह हैं, कि हमें कैसे अपनी इकोनॉमी को जो है ग्रीन रख सकते हैं। बिकॉज आजकल हम लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटिंग कर रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है। तो हम लोग अगर हम लोग चार पेड़ काट, अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके जगह हम 4 पेड़ लगाएंगे तो हम इकोनॉमी को सेफ रख सकते हैं। उसके कारण आज की टेक्नोलॉजी का ज़माना, जहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो रही है, आगे बढ़ रही है, उसके साथ हमें अपनी इकोनॉमी को भी साथ लेके जाना होगा। उसके ऊपर हमने जो मॉडल बनाया हुआ है, ताकि लोग समझ सकें कि अगर हमें टेक्नोलॉजी हमारे पास है, आज के हमारे पास सारे साधन हैं, उसके साथ इकोनॉमी है, उसको भी नहीं छोड़ना, तभी आज कल सिर्फ गाँव में भी चला हुआ है, कैसे हम हार्वेस्ट कर सकते हैं पानी को स्टोर कर सकते हैं। मदरबोर्ड के बिना सर हमारा कंप्यूटर सीपीयू नहीं चल सकता है, हार्ड डिस्क, अगर सर हमारा मदरबोर्ड खराब है तो सर हमारी हार्ड डिस्क नहीं चलेगी। रैम अगर सर हमारे सीपीयू में रैम ही, अगर रैम में रैम के अंदर सर अगर हमारा कोई मेमोरी स्टोर है तो सर अगर रैम नहीं होगी तो हमारी स्टोरेज नहीं होगी। एक बार पुनः मेरा निवेदन रहेगा सभी छात्र छात्राओं से कि वे अपने स्थान पर आ जाएं। उपायों का प्रयोग करना चाहिए।
एक्सरसाइज सोने से पहले हमें एक घंटा आराम कर लेना चाहिए, अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, किताबें पढ़ लेनी चाहिए और म्यूजिक सुनना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। फिर की डायरी दसवीं स्थान पर खड़े हुए छात्र छात्राओं से भी मेरा अनुरोध है कि वे अब स्टेडियम में आकर बैठे, जल्दी है हमारे अतिथि आने वाले हैं, सभी छात्र छात्राएं शांति का योगदान देंगे और अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठेंगे। सर हमें व्हाट्सएप यूज़ कर लेना चाहिए जिससे हमारा दिमाग स्ट्रेस में नहीं रहेगा। हमें इंस्टाग्राम यूज़ कर लेना चाहिए, फेसबुक यूज़। अगर हमें कहीं बाहर जाना चाहिए तो हमें सबसे पहले हल्का सा भोजन कर लेना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए। बाहर जाने से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए, हमें ईटिंग माउस और कीबोर्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस, इट प्ले साउंड स्ट्रेंथ वॉचिंग मूवीज और प्ले विद लिसनिंग साउंड। CPU इज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट्स डिवाइस डाटा और डाटा को सेव करता है। वोकेशनल एजुकेशन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हम व्यवसाय शुरू करते हैं, हम अपने पैरों पर स्टैंड हो सकते हैं। हमारे स्कूल में दो ग्रेड है, ITS और सिक्योरिटी। मैं ITS पढ़ रही हूँ और सर इसमें आता है कि जैसे सर हॉस्पिटल में मरीजों के हेल्थ केयर मशीनें चली हुई है सर, और एजुकेशन जैसे स्कूल में स्मार्ट क्लासेस वगैरह, और बैंक में सर जैसे बैंक में ऑनलाइन कोई पेमेंट पेमेंट कुछ भी हो गया, ऑनलाइन जो भी है ट्रांजेक्शन कोई भी। ओके थैंक यू, वेरी गुड।